आप देख रहे हैं उत्तराखंड का नंबर वन डिजिटल चैनल उत्तराखंड खबर। नमस्कार, उत्तराखंड खबर में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ प्रियंका रावत। चलिए देखते हैं कौन सी रही आज की तमाम बड़ी खबरें। सुरा सेवा दल के अध्यक्ष रमेश जोशी द्वारा प्रेस वार्ता कर फिर से ऊर्जा विभाग का और बड़ा घोटाले का पर्दाफाश किया गया। जोशी ने बताया कि अनिल कुमार एवं उनके सुपुत्र के बैंक खातों में आखिरकार पैसे का लेन देन किसी ठेकेदारी कंपनी से क्यों किया गया। 125 करोड़ रुपए का हुआ था ट्रांसफार्मर घोटाला, जिसके लिए आंदोलन हुआ था। उस आंदोलन के बाद में संज्ञान में आया सूचना के अधिकार अधिनियम में कि आईएमपी के घोटाले के तुरंत बाद ये लोग दबाव में आए। उन्होंने उसी से एक नई कंपनी राजेंद्र मेमानी के बेटे आशीष मेमानी के नाम एक फर्म तैयार कर दी। उस पर इन्होंने नेक्सस बना के गठजोड़ बंद कर दिया, जिसका टंडन जी ने खुलासा करा। और जब उस पर भी कमलकांत जी ने खुलासा करा, और जब उस गठजोड़ का पर्दाफाश हुआ तो इन्होंने वो फाइल दबा दी और राजेंद्र मेमानी आशीष मेमानी के बेटे के नाम पर एक कंपनी और बना दी, उसमें 8 से 10 करोड़ रुपये का घोटाला कर दिया। और इसकी स्टेट विजिलेंस से जाँच हो ऐसा टंडन जी ने कहा है। दस्तावेज संलग्न है, दस्तावेज दिए, और अनिल यादव के खाते में ठेकेदार के खाते से पैसे गए हैं, जिसके दस्तावेज इसमें संलग्न है। और अनिल यादव को तत्काल प्रभाव से जेल भेजना चाहिए। जिस प्रकार माननीय निशंक जी ने एक अफसर के बेटी के खाते में एक ठेकेदार के खाते से 40,000 रुपए गए, उसके लिए माननीय निशंक जी ने उस अधिकारी को 40 दिन जेल भेज दिया। इसी प्रकार मैं आशा करता हूँ प्रदेश के ऊर्जावान मुख्यमंत्री श्री धामी जी से कि उनके संज्ञान में मामला आ चुका है, तत्काल प्रभाव से अनिल यादव को जेल भेजेंगे, इनकी घर की कुड़की करके 1,000 करोड़ रुपए वापस सरकार में लाएंगे, और जो बिजली की मांग है ऊपर केंद्र सरकार से पैसा कर रहे हैं वो इन्हीं के घर को योगी आदित्यनाथ जी की तरह बुलडोजर बाबा बन के इनके घर की कुड़की करके वो पैसे हमारे सरकारी खातों में जमा कराएंगे और प्रदेश की बिजली को महंगी होने से रोकेंगे। 5-7 दिन के अंदर अगर इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है, 29 तारीख को माननीय कोर्ट में एक तारीख है, उन्होंने एक स्टे लिया था जो कि गलत था। मैं उनके कोर्ट को भी निवेदन करूंगा तत्काल प्रभाव से अनिल यादव के खिलाफ मुकदमा कायम हो, क्योंकि हमें पूर्ण विश्वास है अपनी न्यायालय पर। उसके बाद में भी कोई कार्रवाई नहीं होगी, पूरा प्रदेश दौरा करेगा, एक एक जनता को जागरूक किया जाएगा, जनता सड़कों पर आएगी, और उसके बाद सुराज सेवा दल का कोई भी एक पदाधिकारी माननीय मोदी जी के बाहर, इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के बाहर अनशन करेगा, लेकिन इस प्रदेश को बचाने के लिए किसी भी हद तक जाएगा। राज्य मिला है लड़के, अधिकार भी लेंगे लड़के। अनर्गल आरोप मीडिया कर्मियों पर, नेताओं पर, या जो लोग उनके घोटालों को उजागर करेंगे तो कुछ ना कुछ तो अपनी सफाई में वो लोग कहेंगे, चाहे वो डायरेक्टर फाइनेंस के लिए कहें, कल आपके लिए कह देंगे, हमारे लिए कह देंगे, हम पे और आप पे मुकदमे हो जाएंगे, लेकिन उनसे अनर्गल बयानों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। एमडी अनिल यादव जी अपने आप को बचाने के लिए किसी पर भी आरोप लगाएं, हम कह रहे हैं जिन पर आरोप लगाने जेल भेजें। यादव जी का सबसे पहले आप एमडी हैं, प्रबंध निदेशक हैं, इस प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी ताकत है, आप तत्काल प्रभाव से मुकदमे की संस्तुति करके जेल क्यों नहीं भेजते हैं।